तो चलिए स्टूडेंट, आज आपको एक नई नोटिफिकेशन देते हैं जो कि आपके ओ लेवल से संबंधित है। ठीक है, जो भी बच्चे ओ लेवल पास आउट हो चुके हैं या इस बार पास आउट होंगे, तो उनके लिए एक गवर्नमेंट जॉब हमारे पास आई है ऑल इंडिया बेस पे, तो उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या एज है और कैसे अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। तो पूरे वीडियो देख लेगा, शॉर्ट में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, देखिए वैकेंसी जो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ रही है। ठीक है, और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ लिंक, सरकारी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन जो बिगेन हुई थी 27/1 से आपकी बिगेन हो गई है। ठीक है, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है और 25 फरवरी तक ही आपका फॉर्म चलेगा और पेमेंट की लास्ट डेट है 25 फरवरी और एग्ज़ाम जो इसमें लिखा रहा है जुलाई को लगेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है तो जुलाई को जब एग्ज़ाम होगा तो लगभग बच्चों का पेपर तो हो गया लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, तो वो लोग अप्लाई तो फिलहाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो लोग जुलाई में पास आउट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल के लिए है 450, ओबीसी के लिए 350, एसटी के 250 रुपये और करेक्शन चार्जेस 300 रुपये इसमें आपके लगेंगे। ठीक है, और एज जो है इसमें मिनिमम 21 से लेके 40 तक यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो है पोस्ट है उसका नाम है इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, जो कि एरिया है नन TSP और टोटल पोस्ट है इसमें 2415। ठीक है, जिसमें कि BE BTech डिग्री कंप्यूटर साइंस के आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल से हो, ठीक है सॉरी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक और लगा हुआ है, अगर ये नहीं है आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास हो या फिर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री हो IT की, ठीक है ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, और पे आते हैं। या फिर सिंपल सा आपके पास एक ग्रेजुएशन हो, साथ ही देखिए ओ लेवल यहाँ मांगा गया है। ठीक है, इतना तो आपको होने चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन हो, यानी कि BA BSc हो सकता है आपके पास, ठीक है BCom हो सकता है, ठीक है या कुछ भी अलग कोई डिग्री हो आपके पास, और साथ ही ओ लेवल आपके पास पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही इसमें आपको और आना चाहिए क्या चीज़, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश 20 वर्ड, देखिए वर्ड भी बहुत कम कर देंगे, 20 वर्ड कर दिए गए, और नॉलेज इन देवनागरी लिपि राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट रहेगा, जो बच्चे वहाँ से अवेलेबल कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल रहेगी अली वैकेंसी। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप अपना फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन नहीं हुआ, जो कि डेट उन्होंने दी है 27 फरवरी को ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप अपना अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म के लिए। ठीक है, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है कुछ इस प्रकार से हिंदी में, तो इसमें सब दिया गया होगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बाद में बच्चे कमेंट करते हैं यूपी से या अदर डिस्ट्रिक्ट से कि सर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि वैकेंसी है आपकी, और साथ ही एज बता दी आपको मैंने, और क्वालिफिकेशन अर्हताएँ जो हैं वो भी मैंने आपको इसमें बता दी। ठीक है, बाकी इसमें सब डिटेल में दिया गया है, और वेतन वगैरह देखिए यहाँ पे दिया गया है 26,300 से लेके आपका जो है स्टार्टिंग होगा न्यूनतम यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो बढ़ेगा वो अलग चीज़ है। और ये देखिए यहाँ पे दिया गया, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, ये है आपका शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए थर्ड वाले कॉलम में दिया गया, हिंदी में देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में इलेक्ट्रॉनिक विभाग का आपके पास भारत सरकार से या नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय औद्योगिक जो आपका नॉलेट है DOEX से ओ लेवल उस उच्च स्तर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सिंपल सा। या फिर देखिए इसके अलावा भी यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करी गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित स्नातक हो आपके पास और आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक यानी कि या फिर डेटा प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये अगर आपके पास हो DDEO इसको बोलते हैं डेटा वाला, ठीक है ये हो आपका, या फिर ये देखिए ITI कोपा वालों के लिए भी है। ठीक है, तो कोपा वाले बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ITI कोपा हो, ओ लेवल हो या फिर BCA हो, BTech हो, BE हो, वो सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, यानी कि टेक्निकल वैकेंसी है आपके लिए, और हिंदी इंग्लिश की जो इसमें टाइपिंग मांगी गई है बहुत ही कम है, यहाँ पे देख सकते हैं 20 वर्ड मांगी गई है। ठीक है, तो ये है, तो यही है सिंपल सा है, और इसमें जो है योजनाएं वगैरह दी गई हैं। ठीक है, और आयु मैंने आपको बताई दी, और इसमें क्या है पेंशन का है,
परीक्षा आयोजन जो है आपका माह जुलाई में आपका देखिए इसमें दिया गया है कि किया जाएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, ये सारा चीज़ इसमें लिखा गया। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें कोई सिलेबस से संबंधित, हाँ ये है आपका शायद सिलेबस दिया है, ठीक है। तो ये है देखिए यहाँ पर लिखा गया है लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 100 अंकों की होगी, ठीक है। और इसमें योग्यता जो भी है जानकारी कंप्यूटर संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर आपका होगा कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ठीक है। सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अर्हता होगी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 15 मिनट की। तो ये है सिंपल सा, यानी कि जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के आपके अधिकतर इसमें पूछे जाएंगे। और लिखित परीक्षा में यहाँ पे भी देखिए सिलेबस दिया गया, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल, तो देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, ये तो आपका रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हाँ यहाँ से देखिए आपका है टॉपिक पूरा पूरा इसमें जो क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है उन बच्चों के लिए जो जो वाकई में ओ लेवल पास है, ठीक है। देख सकते आप सिलेबस देख लीजिए, पूरा जो टॉपिक है एक दो पूरे टॉपिक आपके उसी के पूछे गए हैं। पूरा पूरा आपका ओ लेवल का यहाँ पर टॉपिक रख दिया गया। ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, DBMS के बारे में, रिप्रेजेंटेशन डिजिटल एनालॉग एंड डेसिमल बाइनरी हेक्साडेसिमल के बारे में आपका, कन्वर्जन जो टॉपिक है वो रखा गया है इसमें। इंट्रोडक्शन टू आपके टोपोलॉजी, लैन, मैन, वैन, ठीक है, इसके बारे में, ऑफलाइन मैसेजिंग क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि IT M2R5 का टॉपिक है ये, आपका M1 का टॉपिक हो गया, ओल्ड सिलेबस का ये हो गया M2 का टॉपिक, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के बारे में आपका ये भी आपका आ जाएगा ICT वाले में, प्लस M2 में भी आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे देखिए OFC लैंग्वेज को यहाँ पे रख दिया गया, यानी कि M3, यानी कि ओल्ड पैटर्न वाला जो ओ लेवल का सिलेबस था वो पूरा यहाँ पे लिखा गया है, M1 M2 M3 वाला, ठीक है। तो जो लोग ओल्ड ओ लेवल पास किए हैं यानी कि 2014 से लेके और 2020 तक जो बच्चे पास हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी रहने वाली, क्योंकि उन्होंने सी लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये है सिंपल सा वैकेंसी जो आपके लिए यहाँ पे दी गई है। बाकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो कर ही लेंगे आप लोग, और ये इसका लिंक है, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है सिंपल सी, इसको अप्लाई करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।